नमस्कार। सेनापति रीति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये उनका रचना काल भक्ति काल और रीति काल के संधि स्थल पर पड़ता है। उनकी रचनाओं में हमको भक्ति और रीति काल दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उन्होंने राम की भक्ति की है, लेकिन अलंकार प्रियता और कला की दृष्टि से वो रीति काल के ही कवि ठहराए जाते हैं। सेनापति की प्रमुख रचना कवित्त रत्नाकर, उसके माध्यम से हमको सेनापति के व्यक्तिगत जीवन और उनके साहित्यिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। सेनापति की रचनाओं में वीर रस और श्रृंगार काल दोनों का परिपाक हमको देखने को मिलता है। श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सरस प्रवाह उनकी कविताओं में देखा जा सकता है। ऋतु वर्णन उनकी काव्य कला की उत्कृष्टता का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने षट ऋतुओं का बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण कर और उनको कविता का स्वर प्रदान किया। उनकी भाषा, जैसा हम जानते हैं रीति काल में ब्रज भाषा का ही प्रयोग होता था, उनकी भाषा भी उस समय की आम बोलचाल की भाषा ब्रज भाषा ही रही, जिसमें कहीं कहीं हमको संस्कृत निष्ठा भी देखने को मिलती है। उनकी शैली मुक्तक शैली है और अलंकार प्रियता उनकी कविता की एक विशिष्ट विशेषता मानी जा सकती है। उन्होंने श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार का बहुत ऐसे प्रयोग किया है। श्लेष के तो वो विशेष अनुरागी रहे हैं, उनकी कविता में श्लेष अलंकार बहुत अधिक देखने को मिलता है और इसी कारण उनकी कविता में कहीं कहीं दुर्होता और कठिनता भी आ गई है, जिससे अर्थबोध में बाधा पड़ती है। लेकिन सबके बावजूद भी रीतिकालीन कवियों में सेनापति का स्थान काफ़ी उच्च और उत्कृष्ट माना जाता है। आज हम उन्हीं के कुछ कवित्त छंद पढ़ने जा रहे हैं। सेनापति के उनके जिस छंद की अब हम व्याख्या करने जा रहे हैं, वो छंद उन्होंने अपने कविता की प्रशंसा में लिखा है। हम कह सकते हैं कि वो आत्म प्रशंसा कर रहे हैं और अपने कवित्त की जो कलात्मक विशेषताएं हैं उस पर उन्होंने इसमें प्रकाश डाला है। वे लिखते हैं कि राखती ना दोषे पोपे पिंगल के लक्षण को, बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही वसत है, और जो ए पद मन को हर्ष उपजावत है, तजे को रूप रसे जो छंद सरसत है, अक्षर है विसद करते ओषे आपसम, और जाते जगत के जड़ ताऊ विन सत है, मानो छवि ताकि उद्वत सविता की, सेनापति कविता की कविताई विल सत है। सेनापति की जो कविता है उसकी शोभा का वर्णन, उसके सौंदर्य का वर्णन, उसके कलात्मक सौंदर्य का वर्णन इस कविता के अंतर्गत उन्होंने बताया है। वो कहते हैं कि सेनापति के जो कवित्त हैं, सेनापति ने जो अपनी कविता लिखी है, मतलब मैंने जो अपनी कविताएं लिखी हैं, सेनापति कह रहे हैं मैंने जो अपनी कविताएं लिखी हैं, उस कविता की सुंदरता, उस कविता के काव्य सौंदर्य, उसकी उत्कृष्टता का लोहा सारा विद्वत समाज और जो महान महान कवि हैं सब उस कविता का लोहा मानते हैं, सब उस काव्य सौंदर्य के कायल हैं। वो कहते हैं कि राखे तिना दोषे, मतलब सेनापति अर्थात वो कहते हैं मेरी कविता में कोई भी दोष नहीं है, कोई काव्य दोष मेरी कविता में नहीं है। वो आत्ममुग्ध हो रहे हैं और अपनी कविता की खुद प्रशंसा कर रहे हैं कि मेरी कविता में कोई भी दोष नहीं है, मेरी जो कविता है वो दोष विहीन है। काव्य के दोष माने जाते हैं, दुरूता दोष होता है, पुनरावृत्ति दोष होता है, बहुत सारे दोष होते हैं। वो कहते हैं मेरी कविता में कोई भी काव्य दोष नहीं है। और पिंगल के लक्षण को, यानी कि जो छंद्र शास्त्र के, जो काव्य शास्त्र के जो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, उन सब का पोषण मैंने भलीभांति किया है। हम सब जानते हैं कि रीतिकाल की जो कवि हैं वो लक्षण ग्रंथ लिखने में माहिर थे और उन्होंने काव्य के लक्षणों पर विशद ग्रंथों की रचना की है और उन लक्षणों को उन्होंने अपनी कविताओं में भी पूरी तरीके से
उस रीति को निभाया है। सेनापति भी उसी रीति के कवि हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैंने अपने काव्य में जो काव्य शास्त्र के विभिन्न लक्षण होते हैं उनका पोषण किया है, उनकी पुष्टि की है, अर्थात मैंने काव्य शास्त्र के लक्षणों के आधार पर ही अपनी कविता की रचना की है, इसलिए मेरी कविता सारे काव्य दोषों से काफ़ी दूर है। बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही वसत है, और जो मेरी कविता है चूँकि वो इतने काव्य सौंदर्य से भरपूर है, इसलिए जो मेरी कविता है वो जो बड़े बड़े बुद्ध मतलब ज्ञानी जो कवि हैं उन सबके उपकंठ, उन सबके कंठों में विराजमान है, अर्थात वो उन सबको मेरी कविताएं बहुत ही पसंद आती हैं और वो मेरी कविता का पाठ करते हैं, उनको वो कंठस्थ हैं, उनको मेरी कविताएं कंठस्थ हैं, इतनी प्रिय हैं उनको मेरी कविताएं और इतनी लोकप्रिय है विद्वत समाज में मेरी कविताएं, कि जो विद्वान कवि है वो मेरी कविताओं का पाठ करना अपना सौभाग्य समझते हैं और उनके कंठ में मेरी कविता बसती है, अर्थात वो मेरी कविताओं का पाठ करते हैं, उन्हें कंठस्थ है मेरी कविताएं। आगे वो कहते हैं कि जोय पद मन को हरस उपजावत है, और जो मेरी कविता है वो उन उसके जो पद हैं उसके जो शब्द हैं वो काफ़ी ज्ञान हैं और अर्थ गर्भित हैं, तो जब उस मेरी कविता को लोग पढ़ते हैं तो उनके मन में प्रसन्नता और आनंद की रचना होती है। कविता का उद्देश्य होता है रस की उत्पत्ति करना, जो रसिक है जो काव्य पढ़ रहा है उसके हृदय में आनंद की का उत्पादन करना ही कविता का लक्ष्य होता है। तो सेनापति कह रहे हैं कि मेरी कविता को पढ़कर जो रसिक लोग हैं उनके हृदय में आनंद की का विकास होता है, आनंद का उत्पन्न होता है। तजे को रूप रसे जो छंद सरसत हैं, और मेरी कविता के छंद इतने सरसे हैं, इतने शोभायमान हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि मेरे उस कविता का आनंद कोई भी तज नहीं सकता, कोई भी छोड़ नहीं सकता है। अक्षर विशद करत अपे आप से, और मेरी कविता के जो वर्ण विन्यास है, जो अर्थ है, जो शब्द है, वो इस तरीके के सारगर्भित हैं कि वो अपने आप ही अपना अर्थ प्रकट कर देते हैं, उनके लिए यानी कि वो सरल और सर्वग्राही हैं, जनग्राही हैं, जनता को उनके अर्थ अच्छे से समझ में आते हैं, वो उस कविता को पढ़कर उसका आनंद इसीलिए प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि मेरी कविता में जो अर्थ है वो अर्थ उनको समझ में आते हैं। जाते जगत का जड़ताओं विनिशत, चूँकि वो मेरे कविताओं को पढ़ते हैं, उनका भाव समझते हैं, उनकी व्याख्या समझते हैं, इसलिए मेरी कविता केवल सौंदर्य का ही अकुत भंडार नहीं है, मेरी कविता संदेश और प्रेरणा का भी भंडार है। तो मेरी कविता जब वो पढ़ते हैं तो उनका जो अज्ञान रूपी जो जड़ता है वो जड़ता भी उनकी समाप्त होती है, विनाश खत्म होता है, यानी कि मेरी जो कविता है वो अज्ञान को खत्म करने वाली है, ज्ञान को प्रसार करने वाली है। मानो छविता की उद्वत सविता की सेना, देखिए यहाँ पर बहुत ही शानदार उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया। वो कहते हैं मानो मेरी कविता कैसी है, मानो मेरी कविता की सुंदरता ऐसी है कि जैसे सब सूर्य उदित होता है, और जब सूर्य उदित होता है तो पर्यावरण में जो अंधकार छाया होता है वो सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, सूर्य की किरणें चारों तरफ एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नया उजाला चारों तरफ फैला देती हैं। उसी तरीके से जो मेरी कविता है वो इस समाज के अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर और वहाँ पर आनंद और ज्ञान की व्याप्ति कर देती है। सेनापति कविता की कविता ही विलसत है, और सेनापति कह रहे हैं इस तरीके से जो सेनापति की कविता है उसकी शोभा चारों तरफ शोभायमान हो रही है, उसकी कविता का सौंदर्य, काव्य सौष्ठव, उसका संदेश, उसकी प्रेरणा, उसके जो अर्थ गंभीर है, उसकी जो शिलिष्टता है, उसका जो अलंकार सौंदर्य है, वो पूरे समाज में जिस तरीके से सूर्य अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेरता है उस तरीके से सेनापति की कविता का सौंदर्य और जो उसका सौष्ठव है वो पूरे समाज में, विद्वत समाज में फैला हुआ है, और बड़े बड़े विद्वत सेनापति की कविता को पढ़कर अपने आप को अहोभाग्य महसूस करते हैं। तो ये इस कविता का व्याख्या।